गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत। प्यारे बच्चों, आपको या सूचित किया जाता है कि आप अभी तक जो बच्चे विद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया वे विद्यालय में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लें तथा अन्य साथियों को इस संदर्भ में विदित कर दें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अंग्रेजी विषय में प्रोज पोएट्री पढ़ चुके हैं। शॉर्ट स्टोरी जिसमें इन्होंने इसका एक अंश अलग करते हुए सप्लीमेंट्री रीडर कहा, जैसा कि हम लोग कक्षा 9-10 में पढ़े थे, का फर्स्ट स्टोरी है द थर्ड लेवल। क्या बेटा? द थर्ड लेवल। इसकी रचना किया है वाल्टर बोर्डेन जैक फिने ने। आज हम लोग इसकी समरी देखते हैं हिंदी में। बेटा थर्ड मींस होता है तीसरा, और लेबल का मतलब होता है स्तर। तो बेटा यहां पर हम लोग अगर बात करते हैं तो बात है ये क्या कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे, इसकी बात है अमेरिका की। आपका लेखक अमेरिकन, और ये बात है बेटा क्या कहते हैं ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का मामला है। तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का प्रथम तल हम लोग अक्सर जो भूतल होता है उसी को हम लोग प्रथम तल कहते हैं। तो बेटा ये हो गया, उसके बाद एक कमरा ऊपर है, उसके बाद एक तल ए भी है, ठीक बेटा। तो ये जो क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे फर्स्ट लेवल, इसे हम कहेंगे सेकंड लेवल, और इसे हम कहेंगे थर्ड लेवल। आप जानते हैं कि घरों में एक छत, छत के ऊपर दूसरा छत, दूसरे के ऊपर तीसरा तल, छत छत उसे हम तल कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड लेवल की बात हो रही है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि थर्ड लेवल क्या होता है। जब थर्ड लेवल समझ में आ गए तो आइए हम इसमें देखते हैं कुछ कैरेक्टर हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहला है चार्ली, CHARLY। पहला कैरेक्टर कौन है बेटा? चार्ली है। लेक्चर आपका लंबा हो सकता है क्योंकि जो लेसन है वो अगर हम तेज पढ़ा देंगे या तेज बता देंगे संभवतः आपके समझ में नहीं आएगा। बेटा ये जो चार्ली है ये 31 इयर्स ओल्ड यंग मैन है, 31 इयर्स ओल्ड
यंग मैन है, क्लियर ना। ये 31 वर्षीय एक नौजवान व्यक्ति है, बात समझ में आ रही है। और यही चार्ली क्या कर रहा है, इस कहानी को नरेट कर रहा है, नरेटर है। नरेटर ऑफ द स्टोरी, बेटा जो चार्ली है, ये चार्ली जो है आपकी कहानी का वर्णन भी कर रहा है। तो पहला करेक्टर क्लियर हुआ, चार्ली। चार्ली की आयु है 31 वर्ष और ये कहानी का वर्णन कर रहा है, अर्थात आपको कहानी सुना रहा है। दूसरा मेन करेक्टर है चार्ली की पत्नी, जिसका नाम है लुईसा। क्या नाम बेटा? लुईसा। लुईसा जी है ये वाइफ है आप चार्ली। लुईसा जो है वो चार्ली की पत्नी है। लुईसा क्या है बेटा? चार्ली की पत्नी है। एग्जांपल थोड़ा मीनिंग देख लीजिए, नरेटर है। लुईसा चार्ली की पत्नी है, अर्थात वाइफ ऑफ नरेटर है। एक और कैरेक्टर है सैम। सैम, सैम क्या है? सैम आपके लेखक का मनोरोग विशेषज्ञ है, ठीक ना। तो बेटा साइकोलॉजिस्ट है, आप नरेटर। इन नरेटर का क्या है? साइकोलॉजिस्ट है जो इसका इलाज करता है। बात तो क्लियर हो गई। ये बेटा नरेटर का क्या है? इलाज करने वाला व्यक्ति। पहला चार्ली है जिसकी आयु 31 इयर्स हुए, और दूसरा लुईसा है जो चार्ली की पत्नी है, तीसरा सैम है जो साइकोलॉजिस्ट है इसका नरेटर का, जो नरेटर का मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है, अर्थात मनोरोग अर्थात मानसिक रोग का निदान करने वाला व्यक्ति कौन है? सैम है। तो बेटा यहाँ तक तो स्टोरी एकदम स्पष्ट हो गई, क्लियर हो रहा है। बात हो रही है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। कहाँ की? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहां पर बात हो रही है तीसरे तल के होने की। तो आइए देखते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि चार्ली जो वर्णन करता है वो दावा करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीन तल हैं, तीन लेवल हैं, जबकि वहां के अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से ये दावा करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर केवल और केवल दो ही तल। इन्होंने कहा कि चाहे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को बताने वाले, सॉरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो तल हैं, आपको क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल भी बताएंगे, न्यूयॉर्क भी बताएंगे, फिर न्यू हेवन हो या कोई क्या कहते हैं हार्टफोर्ट रेलवे का प्रेसिडेंट हो, ये सभी आपको यही बताएंगे कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में दो तल हैं, जबकि आपका लेखक कहता है कि वो तीसरा तल है। क्यों है? क्योंकि लेखक तीसरे तल पर भी भू करके आया है। तो चार्ली जो 31 वर्षीय नवयुवक है वह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के तीसरे तल के बारे में अपने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक सैम को बताता है।
सैम चार्ली की बात को सुन करके कहता है, ये कल्पना ये दिवा स्वप्न की पूर्णता है। ये क्या है? दिवा स्वप्न की पूर्णता है, अर्थात तुम पूर्ण रूप से दिवा स्वप्न देख रहे हो। इस बात को सुन करके चार्ली की पत्नी लुइसा दुखी हो जाती है। तब सैम चार्ली की पत्नी को समझाता है कि मामला ये है कि विश्व युद्ध के दौरान इस वर्तमान समय में अशांति है, असुरक्षा है, खतरे हैं, विभिन्न प्रकार की तकलीफें विद्यमान हैं। यही कारण है कि चार्ली दिवा स्वप्न के देश में जा करके अपने आप को शांति देना चाहता है, सुख देना चाहता है, और इसमें कोई मामला नहीं है। सब के सब सैम की बात से बिल्कुल सहमत थे, कोई असहमत नहीं था कि सैम गलत कह रहा है, और सैम की बातें भी बिल्कुल उसी तरह इशारा कर रही थी कि वर्तमान युग जो है वो असुरक्षा से भरा हुआ है, और असुरक्षा से बच करके कौन नहीं भागना चाहता, सब सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित परिस्थितियों में जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए चार्ली की एक हैबिट थी, वह डाक टिकट इकट्ठा करता था, डाक टिकट संग्रह करता था, अर्थात अस्थाई रूप से बच करके वह सुरक्षित स्थान पर शरण लेना चाहता था। लेकिन डाक टिकटों का इकट्ठा करना इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि सैम के दादाजी भी क्योंकि चार्ली के दादाजी भी डाक टिकट का संग्रह करने के शौकीन थे। लेकिन जब वो डाक टिकट इकट्ठा किया कर सकते थे, उस समय वातावरण इतना असुरक्षित नहीं था, इतनी अशांति नहीं थी, और चार्ली के दादाजी उस अपने स्थान को छोड़कर कहीं पर जाना भी नहीं चाहते थे। तो बेटा, अमेरिका में डाक टिकट का प्रचलन, डाक टिकट संग्रह का प्रचलन बहुत ही पुराना था, और बड़े बड़े लोग किया करते थे। बेटा, डाक टिकट संग्रह का मतलब क्या है? डाक टिकट संग्रह का मतलब है कि डाक टिकट का जारी होना। डाक टिकट जारी हुआ, ये न्यू था बेटा। कैसा था? ये न्यू टिकट था जो अमेरिका में जारी हुआ। जब ये नए टिकट जारी हो जाते थे, लोग बिक्री के पहले दिन, कब बेटा, टिकट के बिक्री के पहले दिन इनकी खरीददारी करते थे। क्या करते थे? इनकी खरीददारी कर लेते थे। क्लियर हो रहा है? खरीददारी करने के बाद इस टिकट को एक लिफाफे पर चिपकाते थे। इस लिफाफे पर क्या करते थे? डाक टिकट को चिपका देते थे, और चिपका करके ये स्वयं के पते पर भेज देते थे। डाक टिकट को लिफाफे पर चिपका करके स्वयं के एड्रेस पर भेज देते थे। जब ये लिफाफा डाक के माध्यम से जाता था, तो यहीं पर मोहर लग जाती थी डाक की, और डाक की मोहर ये प्रमाणित कर देती थी कि यह डाक टिकट किस तिथि को जारी हुआ था। इस लिफाफे को भेजते समय लोग इसमें केवल कोरा कागज रखते थे, कोई लिखित कागज नहीं रखा जाता था। तो डाक टिकट संग्रह का ये मतलब है। तो बड़े से बड़े लोग डाक टिकट का संग्रह करते थे, ताकि डाक टिकट के जारी होने की तिथि का प्रमाण डाक विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से उनके ऊपर हो। चले आगे। तो मामला यूं हुआ कि चार्ली एक दिन अपने दफ्तर में देर तक काम करता रहा। देर तक काम करने के पश्चात वो जल्दबाजी में था कि वह अपने फ्लैट पर पहुंचे जल्दी से। उसका जो फ्लैट था बेटा, रिहायशी नामक स्थान पर था, इलाके में था। इसलिए क्या कहते हैं, चार्ली ने निश्चित किया कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सुरंग मार्ग से यात्रा करेगा,
ताकि वह जल्द से जल्द अपने फ्लैट पर पहुंच जाए, क्योंकि सुरंग मार्ग से चलने वाली रेलगाड़ियां बस से ज्यादा तेज चलती थी। सुरंग मार्ग से चलने वाली रेलगाड़ियां बस से ज्यादा तेज चलती थी। चार्ली जल्द पहुंच करके अपनी पत्नी लुइसा से मिलना चाहता था। यही कारण था कि वह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के सुरंग मार्ग से जाने का निश्चय कर चुका था। जब वह ग्रैंड सेंट्रल में प्रवेश किया तो बेटा सीढ़ियों से उतर करके वो प्रथम तल पर आ गया। ग्रैंड सेंट्रल में प्रवेश किया सीढ़ियों से उतर करके वो प्रथम तल पर आ गया फिर वह दूसरी सीढ़ी से चढ़ करके दूसरे तल पर पहुंचा। तब उसके बाद वह एक लंबी सी सुरंग में चलने के लिए क्या कहते हैं घुसा। यह सुरंग मेहराबदार बना हुआ था, उसमें मेहराब सजावट की गई थी। क्लियर हो रहा है बेटा। वह सेकंड पर पहुंचा। सेकंड पर पहुंच करके उसने एक सुरंगदार मार्ग को पकड़ लिया। वह सुरंगदार मार्ग मेहराबदार बना हुआ था और जब उस सुरंग में वह प्रवेश करता है वह भूल जाता है रास्ता किस तरफ है। और रास्ता भूलने का कार्य चार्ली के साथ अक्सर हुआ करता था। वह जाता कहीं और था, पहुंच जाता कहीं और था। ऐसा चार्ली के साथ हुआ। चार्ली को लगा कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे एक वृक्ष की भांति बढ़ रहा है जिसकी जड़ें चारों ओर फैल रही और शाखाएं चारों ओर फैल रही हैं। तो बेटा क्या कहते हैं यह बात, लेकिन मैंने ये बात सैम को कभी नहीं बताया ग्रैंड सेंट्रल रेलवे बढ़ रहा है या घट रहा है। जिस गलियारे से चार्ली मुड़ने लगा तो नीचे का मार्ग ढालूदार होने के कारण चार्ली ने सोचा कि वह गलत रास्ते पर चला गया। मार्ग ढालूदार था। जब ढालूदार मार्ग पर पहुंचा तो चार्ली ने सोचा कि वह गलत मार्ग पर चला गया है। बेटा वह अकेला था, वहां पर कोई नहीं था। उसे केवल अपने पैरों के चलने की पदचाप सुनाई दे रही थी, इसके अलावा उसे और कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। आगे चलने पर चार्ली ने पाया कि सुरंग एकदम बाई ओर मुड़ जाती है और छोटी बाई ओर मुड़ जाती है, फिर बाई ओर मुड़ करके आपका चार्ली जो है एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतरा। और जब छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतरा तो वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया। कहां पर पहुंचा बेटा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आपका चार्ली पहुंच गया। अंडरस्टैंड? जब बेटा वह वहां पर पहुंच गया तीसरे तल पर तो उसने सोचा कि वह दूसरे तल पर आ गया परंतु चार्ली ने देखा कि उस तीसरे तल पर कमरे बहुत छोटे छोटे थे, टिकट की खिड़कियां भी बहुत छोटी छोटी थी, रेलगाड़ियों के गेट भी बहुत छोटे छोटे थे, मध्य में सूचना को प्रदर्शित करने के लिए सूचना कक्ष लकड़ी का बनाया हुआ था, जहां पर दीपक जल रहा था, दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। और फिर क्या कहते हैं बेटा, आगे क्या हुआ? फर्श पर पीतल के फीकदान रखे गए थे जिस पर लोग थूकते हैं पान वगैरह खा करके। बेटा फीकदान भी रखे गए थे। एक आदमी अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालता है, ढक्कन को खोलता है, समय देखता है और अपनी भौं को चढ़ा लेता है। थोड़ा बेटा वह अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने लगता है। वह व्यक्ति चार बटन वाला मोटा सा काला सूट पहने हुए था,
तथा डार्वी हैट पहने हुए था, जो हैट की प्रकार होती है, और उसके पास मूछे तो ऐसे थे जैसे साइकिल का हैंडल होता है, इतनी बड़ी बड़ी मूछे थी। चार्ली ने देखा कि हर व्यक्ति सन 1890 के प्रचलन के कपड़े पहने हुए था। चार्ली ने देखा कि एक महिला रेलगाड़ी से उतर करके अंदर आई और वह भेड़ के टांग के जैसी आस्तीन वाले ड्रेस पहने हुई थी और उसके जो जूते थे वो बटनदार थे और उसके ऊपर उसने स्कर्ट पहनी रखी थी। जब चार्ली ने रेल की पटरी को देखा तो रेल की पटरी पर जो इंजन थे बहुत छोटे छोटे थे और उनकी चिमनी जो थी वो कीप के समान थी। अब चार्ली के समझ में आ गया कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के तीसरे तल पर है, प्रथम तल पर नहीं है। चार्ली ने जाकर के समाचार पत्र विक्रेता के पास पहुंचा, वह निश्चित करना चाहता था तो वह कहां है। जब समाचार पत्र विक्रेता के पास पहुंचा तो उसने निगाह डाली, उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड, पेपर का नाम था द वर्ल्ड और पेपर पर तारीख पड़ी हुई थी जून 1894। तब चार्ली को ये विश्वास हो गया कि वह तीसरे तल पर है, जहां पर बहुत पहले के लोग, बहुत पहले के प्रचलन की संस्कृत सभ्यता का प्रादुर्भाव अभी भी दिखाई पड़ रहा था। आगे देखिए, आपका चार्ली टिकट लेने के लिए खिड़की की तरफ मुड़ा तीसरे, ताकि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर टिकट की खरीदारी कर सके। और बेटा वह क्या कहते, दो टिकटें लेना चाहता था, एक टिकट अपने लिए और एक टिकट अपनी पत्नी लुईसा के लिए, क्योंकि वर्ष 1884 में अमेरिका में जहां वो जाना चाहता था ताकि वहां पर वो जा सके। और वो जाना कहां जाता था, गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग इस नोइस नामक स्थान पर जाना चाहता था, जो बड़ा ही अद्भुत नगर था। गेल्सबर्ग में सारे मकान लकड़ी के बने हुए होते थे और वहां पर बड़े बड़े लान होते थे जहां पर लोग बैठ करके बातें करते थे, पुरुष सिगार पीते थे, महिलाएं ताड़ के पत्तों के बने हुए पंखे को हिलाती रहती थी। और क्या कहते हैं, वहां पर गर्मियों में तो रातें दोगुना लंबी हो जाती थी और मार्गों के किनारे वृक्ष तो यूं थे कि उनकी शाखाएं आपस में आकर के जुड़ जाती थी, जो मार्गों के ऊपर छत का काम करती थी। बेटा वही गेल्सबर्ग में चार्ली जाना चाहता था, इसीलिए वह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे पर दो टिकटें खरीदना चाहता था, एक तो अपने लिए और दूसरा अपनी पत्नी के लिए। बात समझ में आई? तो बेटा जब टिकट खरीदने के लिए चार्ली टिकट काउंटर पर जाता है तो क्लर्क ने टिकट का भाड़ा का हिसाब लगाया। जब चार्ली ने क्लर्क को पैसे दिए तो क्लर्क चार्ली को घूरने लगा और कहा कि मिस्टर मूर्ख बनाने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब चार्ली घबरा गया, उसने टिकट क्लर्क के क्या कहते हैं जिसमें पैसा रखा जाता है खजाने में देखा तो उसने पाया कि मुद्रा बहुत ही पुराने जमाने की उसके पास थी और आजकल की मुद्रा की लगभग 1.5 गुनी बड़ी मुद्रा थी। अब चार्ली डर गया, वह वहां से खिसक निकला क्योंकि वह जेल नहीं जाना चाहता। चार्ली ने बताया कि मैं पुनः उसी रास्ते से लौटा। अगले दिन मैं बैंक गया, वहां पर नई मुद्रा $300 दिया
और बैंक से मुद्रा का एक्सचेंज किया, उसके बदले में मुझे $200 मिले, क्योंकि पुराने समय की मुद्राओं का मूल्य ज्यादा था, आज के समय की मुद्राओं का मूल्य कम था, इसलिए चार्ली को अधिमूल्य देना पड़ा और $100 अधिमूल्य दे करके चार्ली ने $200 प्राप्त कर लिए। परंतु जब वह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के तीसरे तल पर जाने लगा तो उसने बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद ग्रैंड सेंट्रल रेलवे का तीसरा तल चार्ली को नहीं मिला। हालांकि उसने पैसे भी एक्सचेंज करा लिए, टिकट भी लेना चाहता था, गेल्सबर्ग जाना चाहता था जहां पर अमन और शांति थी, लेकिन जब वह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे का तीसरा तल ढूंढने लगा उसे नहीं मिला। चले आगे बेटा। तब चार्ली ने ये बात अपनी पत्नी लुईसा से बताई कि उसे किस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का तीसरा तल मिला था, वहां पर किस प्रकार के लोग थे, उनका व्यवहार कैसे था, उनका पहनावा कैसे था, वहां पर खिड़कियां कैसे थी, वहां पर रेल के इंजन कैसे थे, मुद्राएं कैसी थी। इस बात को सुन करके लुईसा को बड़ा दुख हुआ। वह नहीं चाहती थी कि मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे के तीसरे तल को खोजूं, इसलिए मैंने खोजना भी बंद कर दिया। मैंने अपने डाक टिकट संग्रह की ओर ध्यान दिया। एक दिन की बात है कि मेरी निगाह एक डाक टिकट पर पड़ गई, और यह डाक टिकट उस प्रथम दिन का प्रमाण था जिस दिन प्रथम वह डाक मेरे पास आया था। तो बेटा, उस रात चार्ली ने सबसे पुराने प्रथम दिन का डाक टिकट मिला, और उस डाक टिकट पर 18 जुलाई सन 1894 की मोहर लगी हुई थी। चार्ली ने जब उसे खोला तो उसके अंदर कोरा कागज नहीं था, बल्कि उसके अंदर जो कागज था उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर संदेश क्या लिखा हुआ था? चार्ली, मैं आशा करने लगा हूं कि आप सही थे। लिखने वाले ने चार्ली को लिखा था कि चार्ली, मुझे ये उम्मीद है कि आप सही थे। चार्ली, यह सत्य है कि मैंने तीसरा तल खोज लिया, और मैं यहां पर 2 सप्ताह से रह रहा हूं। यहां पर डैली जो मेरी पत्नी है वो पियानो बजा रही है और सब लोग गाने गा रहे हैं। मैं आपको गेल्सबर्ग में नींबू का शरबत पीने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चार्ली और लुईसा, लौट आओ, तीसरे तल को खोजो। मुझे विश्वास है कि यह तीसरा तल खोजने योग्य है। बेटा, उस पत्र पर सैम के हस्ताक्षर थे, अर्थात सैम ने उस पत्र को चार्ली के नाम भेजा था, और उस पर पता था, क्या कहते हैं, 941 बिलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। तो यह पत्र सैम के द्वारा चार्ली को यह सूचित करने के लिए डाला गया था कि सैम ने तीसरा तल खोज लिया। बेटा, जिस आप जान रहे हैं कि डाक टिकट और सिक्का, जिस डाक टिकट और सिक्के की दुकान पर आपका चार्ली जाता था, उसे पता चला कि सैम ने $800 के पुराने समय का धन खोया। आज $800 उसने खर्चा किया पुराने समय के धन को खरीदने के लिए, ताकि उस पुराने समय के धन को लेकर के वहां गेल्सबर्ग जा सके। बेटा, वह धन खर्च कर डाला जिस धन से वह पशु आहार, घास फूस और अनाज का व्यापार करना चाहता था,
बेटा वह यही काम करना चाहता था, इसके अलावा उसे और कोई काम पसंद ही नहीं। और लेकिन अब उसने अपना सारा धन पुराने समय की मुद्राओं को इकट्ठा करने में खर्च कर दिया और वह गेल्सबर्ग के उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया जहां पर सैम ने चार्ली को आमंत्रित किया था। बेटा ये सैम तो आप जान रहे हैं, ये चार्ली का मनोरोग चिकित्सक था। तो बेटा यहीं पर इस पाठ का सारांश समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए पढ़ते समय हम लोग आराम से पढ़ते हुए एक एक वर्ड की मीनिंग और व्याख्या को स्पष्ट कर लेंगे। आपको पढ़ने में थोड़ी क्या कहते हैं दिक्कत आ सकती इस पे, इसलिए आप इसे दो बार तीन बार रिवाइव करेंगे तो मस्तिष्क में बातें बैठ सकती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। क्लास स्टार्ट हो जाए तो